गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। और आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल क्योंकि चाचा के बेटे का बर्थडे है और मम्मी जा रही है ऑफिस। मम्मी मैं जा बाय। भाई क्या आगे बोलोगे ना? भाई मास्क है आपको? मैंने तो मास्क रख लिया है क्योंकि मुझे यहाँ से रोड पर स्टेशन जाना है। बस मम्मी नमस्ते, आपको ठीक अच्छे से जाना है बाबू? ठीक है मम्मा। और वो कर लेना क्या, फोन कर लेना। हाँ ठीक है, आपकी बस आने का टाइम है। बाय। हाँ, अब जाना है हमें यहाँ से रोडवे स्टेशन। चलते हैं फिर रोडवे स्टेशन, वहाँ से बस पकड़ेंगे नैनीताल की बस। तो गाइस हल्द्वानी रोडवे स्टेशन तो ये है, अब यहाँ से हमें लेनी है नैनीताल की बस। सो गाइस नैनीताल की बस तो मिल चुकी है, अब इसमें बैठ जाते हैं हम। फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं और सामने हमारा लेक देखो, काफ़ी मस्त लग रहा है। काफ़ी मस्त लग रही है झील नैनीताल की, ये देखो नीचे फिश भी है। देखो भाई नीचे मस्त मछलियाँ हैं। वो भाई मछली हो है कैसी, अजब गजब भी लग रही है, अजीब सी भाई, पूरे उसमें मछली मछलियाँ हैं। और सामने बोटिंग भी कर रहे हैं, अभी तो हमें जाना है। आप देख सकते हो ये नैनीताल का स्टेडियम है और ये देख रहे हो काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। इधर बास्केटबॉल खेलने का है और फुटबॉल देख लो भाई, काफ़ी मस्त है। मैच चल रहा है मेरे ख्याल से, मैच शाम को चलते हैं यहाँ पर, तो भाई मैच देखने तो नहीं आएंगे, इसलिए अभी तो हमें पता नहीं कहाँ को जाना है, ऊपर को जाना है हमें। बस अब चलते हैं भाई, यहाँ से हमें चलना है 2 किलोमीटर ऊपर, चढ़ाई है और ऐसा थक चुका हूँ ना। यहाँ पर टुक टुक भी चलते हैं मगर इतना बजट नहीं है जाने के लिए, कोई बात नहीं पैदल चलेंगे, रनिंग मेरी शाम की यही हो जाएगी बस। गाइस मुझे 2 किलोमीटर चलना नहीं पड़ेगा इसलिए हमारी चाची आ रही है हमें लेने स्कूटी में, तो अब मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठा हुआ हूँ। उन्होंने बोला यहीं पर बैठ जा, मैं आती हूँ 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो फिर हम उनके साथ ही जाएंगे ऊपर को। और मैं बैकग्राउंड में पीछे क्या है, बाज़ार है नैनीताल बाज़ार, और यहाँ पर लंगूर भी है भाई लंगूर नैनीताल में ही दिखते हैं होपली, और कहीं तो दिखते नहीं है। नैनीताल में ठंडा हो चुका है, मैंने हुड पहन लिया है और अभी तो चाची बोटिया मार्केट में खड़े हैं नैनीताल की, तो चाची को कुछ काम था और अभी बस यही नैनीताल की बोटिया मार्केट। और सामने नैना देवी का मंदिर भी है। तो गाइस चाची हमारी ये है और ये नैनीताल की भोटिया मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ऊपर साइड जो पहाड़ों में घर बना रखे हैं। अभी भी मार्केट में ही हूँ और अभी हम बेकरी में केक ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से। तो ये रही बेकरी, इस बेकरी का नाम है बाबूस बेकरी, और मैं अभी मिरर के सामने बना रहा हूँ। देख लो भाई केक्स, देख लो भाई काफ़ी मस्त। फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ नैनीताल में बुबू लोग के, तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर मिलते हैं आपसे। रेडी तो हो चुका हूँ बर्थडे पार्टी के लिए, और ऐसी ठंड हो रही है ना, मेरे बैक साइड देख सकते हो कोहरा लग चुका है। और यहाँ पर एक बड़ा डॉगी भी है जिसका नाम ऑसम है। देखो भाई ऑसम, हेलो भाई, देख रहे हो कितना बड़ा है, वीडियो में छोटा लग रहा होगा। और मौसम दिखाता हूँ, देखो भाई मौसम क्या ही मस्त हो रहा है, बिल्कुल ही कोहरा कोहरा भी ऐसे ना जिसमें पंखे नहीं लगे, मतलब यहाँ बिना पंखे के लिए इतना ठंडा हो रहा है ना,
पता नहीं अभी बाहर हूँ तो इतना ठंडा लग रहा भाई साहब। और ये तो बर्दन बंदर भी बहुत है, बंदर मैं कुछ और ही बोल लिया था उस टाइम पर। और यहाँ पर एक चीज़ और गलत है, नेटवर्क नहीं आते अंदर, हमारे रूम के अंदर नेटवर्क नहीं आते, नेटवर्क के लिए मुझे बाहर आना पड़ रहा है। तो पता नहीं व्लॉग आज आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। बस तई और नीचे साइड रोड है, हमारे बूबू है अभी डॉगी को घुमाने ले जा रहे हैं। ऑसम, हम भी चलते नीचे को। अरे मैंने जूते नहीं पहने, चप्पल पहनी, चलेगा? चलो फिर, देख रहे हो भाई कैसी चढ़ाई है नीचे को। आ जा, ओए आ, आओ, सुन नहीं रहे भाई, आ जा। चलो भाई एक बार ऊपर को जाते हैं। ओए भाग जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बच्चे फुटबॉल खेलते हुए, मेरे ख्याल से वहाँ बंदर भी है। अरे मैं क्रीम तो आने को चाहता हूँ, अभी तू घर रहती है, कोई तो कैसे नहीं, नहीं बंदर बोल रहा हूँ यार, बंदर है यहाँ, बंदर बहुत है क्या? हाँ, कल मुझे वो मार्केट साइड जाना है यार, एक ब्लॉगर से मिलना है कल। ठीक है ठीक है, चलेगा फिर। यहाँ से रोड कितने किलोमीटर दूर है? मलसाल नजदीक है यार, दो तीन हो गए, डेढ़ किलोमीटर। अच्छा ठीक है, चल जाएगा पैदल पैदल, रोज जाते ही है हम जाते हैं रोज, यहाँ गाड़ी जरूरत नहीं है। हाँ वैसे भी यहाँ टुक टुक तो चल रहे, मैं देखा बाजार साइड चार चले हैं, चार चले बस। हाँ, नहीं तो अगर तू बाइक चला दो, बाइक लेके चल जाएंगे। बाइक कौन चलाएगा? नहीं आएगी तेरे को? नहीं, यहाँ चला देख लूंगा। हाँ, इधर राजभवन है पास ही, हाँ, घर के, हाँ, पूरा सुर क्वालिटी एरिया है ना। और ये है शाही बाबा का मंदिर, ये कहाँ को? ये शाही बाबा मंदिर। अच्छा ये चौराहे पर, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ऑसम आए जा रहे, ऑसम। ओ भाई उसने डॉगी देख लिए, तभी बिल्कुल जा रहा है। ये क्या चीज़ है पता नहीं भाई, ये क्या है वैसे, क्या है? अरे भाई क्या है समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो हमें नहीं पता है क्या है, तो हम बाहर की साइड चलते हैं। अपन नीचे साइड ताल है, ताल देखने चले क्या? बबू राटे यार, चल थोड़ा सा चल के देखते हैं, थोड़ा सा जाएगी, ज़्यादा नहीं आगे, नहीं दिख गया तो यहाँ पासी से, पास ही से दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर पोपट हो जाएगा, छोड़ो। मेरे ख्याल से नहीं दिख, नहीं गेट वेट लगा दिया है, और नीचे को है, नीचे को नहीं जा रहे, अभी चल देते हैं, इसलिए बू बोलेगी ना फिर कहाँ गए, तो अभी घर को चलते हैं। और देख लो भाई इधर ताला, इधर रात को बाघ बाघ भी आते हैं। और यहाँ पर सबसे डर मुझे एक ही चीज़ से लगती है, बिच्छू। इधर बिच्छू के पेड़ भी है, देखो यही है बिच्छू, ये देखो बिच्छू है ये, मतलब इसको छू लिया ना और भाई हाथ में ऐसी लग जाती है ना, मतलब पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है तभी। और ये साईं बाबा मंदिर है, और हम लोग जाएंगे इसके ऊपर से, मतलब वहाँ घर इसके ऊपर ऊपर को है वो, वहाँ पर घर चलते हैं। हाँ यार, अब आप तैयार नहीं हो रहे क्या? अरे मैं तैयार हूँ, ध्यान हो रहा हूँ, बच्चा सच्चे चाचा कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ को, यहाँ से चले गए? अरे मैं तो यहाँ से आया हूँ, मगर यहाँ से चलते यार, वो यहाँ से ठीक लग रहा था, वहाँ से पता नहीं कहाँ। अच्छा अब पता ही चल गया है, हाँ इधर लिखा हुआ है राजभवन, ठीक है पता चल गया, अब परेशानी नहीं होगी। हाँ परेशानी नहीं होगी आते समय। और वो यहाँ पर रात को बाघ आते होंगे ना? बहुत कम आते हैं, पहले आते थे, अभी पता नहीं, ये तार वार लगा दिए इससे कम, तभी इससे कम आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब जा रहे हैं हम घर को, और अब हम, मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ, बस नीचे से हमने शूज़ नहीं पहने, उसको पहनते फिर चलते बर्थडे पार्टी में, बूबू के, पता नहीं किसके, किसके, बूबू के नाती का। हाँ बूबू के नाती का बर्थडे है, मैं भी बूबू का नाती हूँ। हाँ। बहुत नाती बूबू के सभी ना बूबू। हाँ। थोड़ी देर बच्चों के साथ चलते टाइम पास करने के लिए फुटबॉल, अब मैंने शूज़ पहन के आ चुका हूँ, थोड़ी देर खेलते हैं हम उनके साथ नैनीताल में, भाई बच्चे खेल ले फुटबॉल। क्यों यार फुटबॉल के लिए, ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। भाई फुटबॉल खेल के तो आ चुका हूँ, अब घर चलते फिर जाना है हमें बर्थडे पार्टी में, जैसे कि आपको पता ही है, कपड़ों में इसी पार्टी वेयर कपड़ों में हमने फुटबॉल खेल लिया, अब सब कुछ सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं। यहाँ पर तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर
बर्थडे होने वाला है। और तो गाइस अंदर का डेकोरेशन ये है, अभी तो मैं बाहर पे आया हूँ, अब बाहर का व्यू दिखा देते हैं यहाँ से। गाइस बाहर पूरा फॉग हो रहा है, इधर क्या है इधर क्या है देखते हैं। चलो देख लो भाई, पूरा उस साइड तो फॉग ही फॉग है। और ये यहाँ से बस, और नीचे साइड वो जो बादल आ रहे हैं फॉग लग रहा है, ये पूरा कवर कर लेगा मेरे ख्याल से, फिर पूरा ये ढक जाएगा रात तक। अभी अंदर आके हम कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे ठंडा तो हो ही रहा नैनीताल में, तो कॉफ़ी देख लो ऐसे ही दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, बर्थडे बॉय आ चुके हैं, हो रहे बुबू ने जो जिनने पकड़ा हुआ है। तो गाइस केक ये रहा, और हमारा बर्थडे बॉय ये है। तो गाइस गाना लग चुका है और मेरी आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी। कटिंग तो हो चुका है और अभी मैं बाहर को आ चुका हूँ बस, तो मिलते हैं आपसे सीधे घर पर, अभी फोटो वोटो खींचेंगे फिर मिलते हैं आपसे।
खाना तो खा लिया है, अब मिलते सीधे आपसे घर पर। अब जा ही रहे वैसे तो, अब मिलते सीधे घर पर यार, बाय।